हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हाउ आई टोट माय ग्रैंड मदर टू रीड, इस चैप्टर की कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस ना किए जाएं तो वो वीडियो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सी लगती है। तो आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर इंग्लिश कम्युनिकेटिव आपके पास है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ और क्वेश्चन भी हैं, और सबसे अच्छी बात आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी। लेकिन आपको वीडियो देखना होगा टिल लास्ट, देखिए क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड मेड त्रिवेणी अ वेरी पॉपुलर राइटर, क्या चीज़ थी ऐसी जिसकी वजह से त्रिवेणी एक पॉपुलर राइटर बन गई थी। उसका रीज़न क्या है कि जो त्रिवेणी का स्टाइल था, इट वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनके स्टाइल को पढ़ना बहुत ईजी था, बहुत कन्विंसिंग था। जिस तरीके से वो अपनी बात कहती थी तो ऐसा लगता था कि वाकई वो बात बिल्कुल सही होगी। तो इसलिए उनका जो रीज़न था, उनकी स्टाइल की वजह से वो बहुत पॉपुलर राइटर थी। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि त्रिवेणी वॉज ए पॉपुलर राइटर, वाई। अब चलते हैं क्वेश्चन टू के लिए। त्रिवेणी स्टोरी वर इंटरेस्टिंग, यानी जो उनकी स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, ये बात हम जानते हैं। लेकिन क्या रीज़न था, इंटरेस्टिंग क्यों थी, वो किस वजह से उनकी कहानियाँ इंटरेस्टिंग थी। तो उसका रीज़न क्या है, हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, सो हर स्टोरीज वर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यानी उनकी जो स्टोरी हैं वो डील करती थी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि किनकी लाइफ में है, ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ में है। तो इसी वजह से उनकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब चलते हैं क्वेश्चन थ्री के लिए। हाउ डज सुधा मूर्ति रिएक्ट टू त्रिवेणीज डेथ एट एन अर्ली एज, ये है क्वेश्चन थ्री। कि जो सुधा मूर्ति हैं वो त्रिवेणी की जैसे अर्ली एज में डेथ हो जाती है, तो उन पर जो सुधा मूर्ति का रिएक्शन क्या था। तो सुधा मूर्ति बोलती हैं या उनको फील होता है, मीन शी फील सैड एट त्रिवेणीज डेथ एट एन अर्ली एज, शी कंसिडर्स इट अनफॉर्चुनेट फॉर कन्नड़ा लिटरेचर। वो कहती हैं कि कन्नड़ा लिटरेचर के लिए तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि त्रिवेणी की डेथ हो गई है। क्वेश्चन फोर है, वाई वुड नरेटर, जो नरेटर की ग्रैंड मदर है, वाई वुड नरेटर्स ग्रैंड मदर, अब आपको ये बताना है कि जो नरेटर की ग्रैंड मदर है वो इंसिस्ट क्यों करती है नरेटर को, दैट शी शुड रीड द सीरियल आउट टू हर, कि वो जो उनको जो है सीरियल, जैसे पहले क्या होता था काशी यात्रा में जो नॉवल है वो सीरियल की फॉर्म में आ रहा था करमवीरा मैगजीन के अंदर, तो वो कहती है कि भाई तुम मुझे ये पढ़ के सुनाया करो, ऐसा क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न क्या है, जो ग्रैंड मदर है शी वॉज ईगर टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, वो जानना चाहती थी भाई स्टोरी में आगे क्या हुआ है, इसलिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर को कहती है भाई पढ़ के सुना मुझे, क्योंकि वो इलिटरेट थी एट द टाइम, तो अनपढ़ थी वो, नहीं पढ़ सकती थी खुद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हाउ कुड द ग्रैंड मदर रिलेट टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी काशी यात्री। अब जैसे काशी यात्री है नॉवल, उसकी एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो जाना चाहती थी काशी लेकिन नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, उन्होंने अपनी सेविंग जो है एक ऑर्फेन गर्ल को, एक अनाथ बच्ची को दे दी थी जिसकी शादी के लिए पैसा चाहिए था। अब यहाँ पर हमें बताना है कि उस कैरेक्टर के साथ ही अपने आप को कैसे एसोसिएट करती है नैरेटर की ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर आंसर क्या है, बिकॉज दोनों की एक ही विश थी कि काशी जाना है हमने, तो कहती भी उसकी भी विश थी काशी जाने की, मेरी भी विश है। यहाँ द ग्रैंड मदर कुड रिलेट टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बिकॉज बोथ हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विजिट काशी, दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी हमें काशी जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन सिक्स के लिए, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट लर्न टू रीड इन हर अर्ली चाइल्डहुड, या चाइल्डहुड पीरियड में वो क्यों नहीं पढ़ पाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर। वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट लर्न टू रीड इन हर चाइल्डहुड, क्या रीजन था कि वो चाइल्डहुड में नहीं पढ़ पाई। तो शी लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वॉज यंग, जब उनकी एज बहुत छोटी थी तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है। सो देर वॉज नबडी टू लुक आफ्टर, कोई भी नहीं था जो परिवार को देखे, उनको देखे, उनको गाइड करे। हर फादर वॉज ए बिजी मैन, और पिता तो बिजी थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, उन्होंने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल डिड नॉट कंसीडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और ये वो टाइम भी था जब लोग सोचते थे यार लड़कियों को एजुकेशन देने की क्या जरूरत है यार, छोड़ परे। तो सो शी नेवर वेंट टू स्कूल एंड कुड नॉट लर्न टू रीड, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गई और कभी वो सीख नहीं पाई पढ़ना सब कुछ। क्वेश्चन सेवन है, हाउ कुड द ग्रैंड मदर रिलेट टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी काशी यात्रे, पहले आया था वो 1 मार्क के अकॉर्डिंग था, ये 2 मार्क के अकॉर्डिंग है।
तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का वो एक ओल्ड लेडी है. शी हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गो टू काशी एज वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो अगर आप भगवान विश्वेश्वरा को यानी उनकी पूजा करेंगे अगर, तो ये एक अल्टीमेट पुण्य माना जाता है. तो द ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड, शी टू हैड नेवर बीन टू काशी, सो शी कुड रिलेट टू द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. वो भी बूढ़ी हैं, वो भी काशी कभी नहीं गई, तो अपने आप को सेंट्रल कैरेक्टर से रिलेट करती हैं. क्वेश्चन 8 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड डॉटर वेंट टू अटेंड वेडिंग इन ए नेबरिंग विलेज. क्या होता है जब ग्रैंड डॉटर जाती हैं नेबरिंग विलेज में एक शादी अटेंड करने के लिए. तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो ग्रैंड डॉटर है नरेटर जो है वो जाती है, ये बोल के कि चलो अ कपल ऑफ डेज के लिए जा रही हूँ, लेकिन कितना टाइम लग गया, 1 वीक. तो शी हैड गोन देयर फॉर ए कपल ऑफ डेज बट शी स्टेड देयर फॉर अ वीक, लेकिन एक हफ्ते के लिए रुक जाती है. एंड ड्यूरिंग हर एब्सेंस करमवीरा मैगजीन केम ऑन वेनिस्टे, जैसे कि वेनिस्टे को मैगजीन आती ही थी करमवीरा. ग्रैंड मदर ओपन द मैगजीन, शी सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, बट वो कुछ भी नहीं समझ पाई कि उस मैगजीन के अंदर उस स्टोरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो बहुत अपसेट हो जाती है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैंने अपने आप को बहुत हेल्पलेस डिपेंडेंट महसूस किया है. सेज द ग्रैंड मदर, व्हाट मेड हर फील सो, ऐसा क्या रीज़न था. तो सिंपल सी बात है, वो एक्चुअली अपनी ग्रैंड डॉटर पर इसलिए डिपेंडेंट करती हैं बिकॉज शी वॉन्टेड हर टू रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन जब ग्रैंड डॉटर चली जाती है मैरिज अटेंड करने के लिए तो कौन पढ़ेगा. वो वहाँ जाना भी चाहती है बट सम हाउ शी स्टॉप्ड हरसेल्फ. यहाँ देखते हैं, द ग्रैंड मदर वॉज डेस्परेट टू नो वट हैड हैपन इन द स्टोरी काशी यात्री, एंड मैनी टाइम्स शी रब्ड हर हैंड्स ओवर द पेजेस, और विश क्या थी उनकी, शी कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटर्न. शी वेटेड ईगरली फॉर हर ग्रैंड डॉटर टू रिटर्न अर्ली एंड रीड इट टू हर. वो चाहते हैं कि कोई जल्दी आ जाए पढ़े उनके लिए कहानी. शी इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, और वो सोचती हैं कि मैं वहाँ भी चली जाऊँ किसी को बोलूँ पढ़ दे, बट फिर कहती नहीं नहीं मैं तो अपने आप को बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द ओल्ड लेडी कैंसल गोइंग टू काशी दो शी हैड स्ट्रगल हार्ड टू गो देयर. अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया काशी यात्री नॉवल की मेन जो कैरेक्टर है वो एक ओल्ड वुमन है एंड शी वॉन्टेड टू गो टू काशी, लेकिन यहाँ आपको ये बताना है कि उन्होंने काशी जाना क्यों कैंसिल किया, क्या रीज़न था. तो द ओल्ड लेडी हेल्प यंग ऑर्फेन गर्ल द लेटर, यानी वो जो लड़की है फॉल्स इन लव बट देर इज़ नो मनी फॉर वेडिंग, उसको प्यार हो जाता है किसी के साथ लेकिन पैसा नहीं है शादी के लिए. द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स फॉर द वेडिंग, वो सारा पैसा अपना दे देती है वेडिंग के लिए. एंड शी कैंसल्स गोइंग टू काशी, शी कंसिडर्स द हैप्पीनेस ऑफ दैट ऑफेन गर्ल मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. कहती थी चलो इस लड़की की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मेरा काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द विमेन, विमेन इनफैक्ट प्लूरल में है, वाई डिड द विमेन एट द टेम्पल डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा. क्या रीज़न है कि वो सब की सब विमेन जो हैं टेम्पल में बैठ के लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करती हैं. तो द सीरियल काशी यात्रे फोकस्ड ऑन द स्ट्रगल ऑफ एन ओल्ड वुमेन हु वॉन्टेड टू विजिट काशी एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वर. एक्चुअली में इस नॉवल के अंदर क्या दिखाया गया कि एक लेडी जो है बूढ़ी औरत जो है वो काशी जाना चाहती है, वहाँ लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना चाहती है. द विमेन हु केम टू द टेम्पल आर ऑल रिलीजियस बाई नेचर, सब के सब देखो जो मंदिर में आते हैं तो धार्मिक होते हैं थोड़ा सा वो. सो दे कुड ईजली रिलेट देमसेल्व्स विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड ट्राई टू लर्न हर प्रोग्रेस. वो अपने आप को जो है उस मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं, और फिर वो कहानी में आगे जाना चाहते हैं अभी कहानी में क्या कुछ चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर डिपेंड ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी. अब ये फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया है. तो ऑफ कोर्स कि ग्रैंड मदर क्या है, इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, सो शी कुड नॉट रीड द स्टोरी हर सेल्फ. शी डिड नॉट आस्क एनीबडी एल्स इन द नेबरहुड टू रीड इट टू हर, इट वॉज एम्बेरेसिंग टू डू सो. उनके लिए बड़ा एम्बेरेसिंग सा लगता है कि वो किसी और को बोले ऐसा करने के लिए भी उसके लिए वो कहानी को पढ़े. सो शी डिपेंडेड ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू रीड द स्टोरी टू हर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द ग्रैंड डॉटर फाइंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न्ड आफ्टर अटेंडिंग ए वेडिंग इन अनदर विलेज. क्या रीजन था कि जो ग्रैंड मदर है वो रो रही थी. तो सिंपल सी बात है, जब नैरेटर जो है पहले तो बोल के जाती है कि मैं 2 डेज के लिए जा रही हूँ, बट शी
स्पेंट ऑलमोस्ट 1 वीक देयर, और जब वो वहां से वापस आती है नेरेटर, तो वो देखती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो रो रही है। क्या रीजन था? तो रोने का रीजन क्या था? शी वॉन्टेड टू रीड द नॉवल, जो ग्रैंड मदर है शी वॉन्टेड टू रीड द नॉवल काशी यात्री, बट शी कुड नॉट रीड इट बिकॉज शी वॉज इलिटरेट एंड शी फेल्ट हर सेल्फ सो डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर। और वो ये चाहती हैं कि काश अब ऐसा हो जाए कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो मुझे पढ़ना लिखना भी सिखा दे। अब देखिए यहाँ क्या है, द ग्रैंड डॉटर ओवरस्टेड देयर ड्यूरिंग हर एब्सेंस, करमवीरा जो मैगजीन है वो आती है ऑन वेनिस्ट्री, लेकिन जो नरेटर की ग्रैंड मदर है वो क्या है, इलिटरेट है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो इसलिए वो बहुत सैड हो जाती है। एंड शी वॉज डेस्परेट टू नो वट हैपन इन द स्टोरी बट शी कुडंट, सो शी बिगैन टू वीप एट हर हेल्पलेसनेस, अपनी हेल्पलेसनेस, अपनी लाचारी पर वो रोना शुरू कर देती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, और इसमें क्या है, जैसे डायरी एंट्री होती है तो डायरी एंट्री में पहले आपको डेट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, और इनफैक्ट ये कहें कि डे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे थर्सडे है यहाँ पर आप डे डाल दीजिए पहले वाली साइड, और इधर डेट डाल दीजिए, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, डे एंड डेट, ये डायरी एंट्री है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, यू आर द ग्रैंड मदर, यू डिसाइडेड टू लर्न कन्नड़ा एंड मेड सिंसियर एफर्ट्स टू अकम्प्लिश योर डिजायर टू रीड, राइट ए डायरी एंट्री। अब आप उसकी डायरी एंट्री लिखिए, तो ये कहानी एज इट इज लिखनी है, मीन्स हाउ हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट आई फेल्ट व्हेन आई कुड नॉट डेसिफर फ्रॉम द करमवीरा व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, कि मैं कुछ जान ही नहीं पाई कि कहानी में क्या कुछ आगे लिखा हुआ है, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का ईगरली वेट किया ताकि वो वापस आए मेरे लिए पढ़े, एंड आई वॉज सो डेस्परेट टू नो वट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी दैट आई वॉज रेडी टू गो टू द नेबरिंग विलेज, वहाँ लोगों को कहना चाहती हूँ कोई मेरे लिए पढ़े कहानी, फिर मैं रुक जाती हूँ, आई कुड हैव आस्क्ड सम लेडी इन द नेबरहुड, लेकिन फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा एम्बेरेसिंग फील कर रही थी, तो इट वॉज एट दैट मोमेंट दैट आई डिसाइडेड टू लर्न कन्नड़ा, एज सुन एज माई ग्रैंड डॉटर रिटर्न होम आई टोल्ड हर ऑफ माई डिसीजन, जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर आती है तो मैंने उसको अपना डिसीजन बताया, और वो क्या डिसीजन था कि मैं अब पढ़ना लिखना सीख रही हूँ, और मैंने एक डेडलाइन फिक्स कर दिया कि दसरा तक मुझे ये काम कवर करना है। मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे जिस तरीके से पढ़ाया उसके लिए मैं उसकी एप्रिसिएशन करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैंने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया, ये पूरा इस आंसर के अंदर लिखा है, और फिर धीरे धीरे मैंने उन अल्फ़ाबेट्स को लर्न करना स्टार्ट किया, एंड देन इमीजिएटली आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंस कि अब मैं पढ़ सकती हूँ। जब वो दिन आता है जो दसरा यानी दशहरा की पूजा का दिन था, तो ये वो दिन था जब इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज तो हमने ये सब कुछ करना ही है। तो जो दोनों के अंदर यानी जो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर के बीच में जो एक रिश्ता है वो तो है ही है, साथ में इनके बीच में एक दूसरा रिश्ता भी डेवलप हो चुका था, वो था गुरु शिष्य का। तो ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर को स्टूल पे बिठाया, उनके पाँव को टच किया, वो कहती देखो तुम ये मत सोचना कि तुम छोटी हो और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, बट तुम मेरी गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया है। और फिर उसको फ्रॉक गिफ्ट की, उधर से ग्रैंड डॉटर जो है वो भी अपनी दादी के लिए कुछ लेकर आई, और वो क्या है पूरा नोवेल जो कि अब मैगजीन में पहले एक एपिसोड में आता था बट पूरा नोवेल बन चुका है काशी यात्रे, वो पढ़ के इनफैक्ट वो ऐसे रब पूरा अच्छे से जो है उसको रैप करके दिया, जब ग्रैंड मदर ने उसको ओपन किया एंड शी रेड द टाइटल काशी यात्रे। तो ये क्वेश्चन थे, अब मैंने आपको बोला था पीडीएफ दूंगा, तो इन क्वेश्चन को आप इन आंसर्स को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे, और फिर भी आपको किसी और तरह की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।